ग्राम हेमतपुर के सामान्य किसान की सुपुत्री कुंवारी अंतिम पटेल पिता मांगीलाल पटेल ने मेडिकल नीट की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई। अब श्री नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में प्रवेश प्राप्त किया है। छात्रा बचपन से ही पढ़ने में मेधावी रही है, सामान्य कृषक परिवार में पली बढ़ी है। साथ ही कक्षा पहली से लेकर बारहवीं तक अपने ही ग्राम के शासकीय स्कूल में पढ़ाई कर नीट में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर अपने परिवार के साथ साथ अपने शासकीय स्कूल एवं अपने गाँव का नाम रोशन किया। पहली से लेकर बारहवीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली अंतिम पटेल का नीट में चयन हुआ है, जिसकी चर्चा आसपास के गांवों में भी है। कई लोगों की यह मानसिकता रहती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कभी नहीं सिलेक्ट होता है, लेकिन अंतिम पटेल ने यह कर दिखाया। मेहनत के दम पर कहीं ना कहीं कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंतिम पटेल ने कहा कि मैं इस गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ी हूं, मेरी प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी इसी गांव से हुई है। नीट की तैयारी एनसीईआरटी से मैंने की और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, यह डिपेंड करता है बच्चों पर। मेरी स्टेट रैंक 4770 आई है। कई बच्चों को सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाए, लेकिन 5% रिजर्वेशन के कारण ही सरकारी कॉलेज में सीट मिल पाई है, और यह सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। जी अपना नाम बताइए, कौन से गांव से हैं आप? मेरा नाम अंतिम पटेल है, मैं खंडवा जिले के अहमदपुर के गांव ग्राम से हूँ। यहाँ पर खंडवा में भी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपने सरकारी स्कूल से तैयारी की, कौन से स्कूल से तैयारी की, कैसे तैयारी की जो आपका सरकारी स्कूल से नीट में सिलेक्शन हो गया? मैं इसी गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अहमदपुर के गाँव, और मेरी मिडिल स्टडी और प्राइमरी स्टडी भी इसी गाँव के सरकारी स्कूल से हुई है। और मैंने अभी नीट की तैयारी के लिए तो मुख्य रूप से एनसीईआरटी को ही यूज किया है और एनसीईआरटी ही पढ़ी है। तो जैसे लोगों की मानसिकता रहती है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसका सिलेक्शन नहीं होता, इसको लेके क्या कहेंगे दूसरे बच्चों को? क्या ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है बच्चों पर। और हम कह सकते हैं कि जो मुझे अभी कॉलेज मिला है वो इसी बेसिस पे मिला है। मेरी स्टेट रैंक 4710 है और मुझसे भी कम रैंक वाले बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया, सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाया। मुझे 5% रिजर्वेशन के कारण ही सरकारी कॉलेज में सीट मिल पाई है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। और मेडिकल कॉलेजेस के लिए 5% रिजर्वेशन होता है और जीएस कोटा से ही मुझे कॉलेज मिला है। कौन कौन सी तैयारी की आप बच्चों बता पाएंगे? बच्चे भी पढ़ना नहीं चाह रहे सरकारी स्कूल में, वो तो मैंने एनसीईआरटी यूज की है और वो एनसीईआरटी मुझे स्कूल से ही मिली थी, वो भी निशुल्क थी, वो सरकारी स्कूल वाली जो रहती है एनसीईआरटी, वही उसी से मैंने अपनी तैयारी की थी और कुछ कोचिंग के मॉड्यूल्स थे मेरे साथ तैयारी में। इसमें कौन कौन से टीचर को आपके स्कूल के टीचर का नाम बताना चाहेंगे, कौन कौन से टीचर को जुड़ाना? जैसे मेरे स्कूल के टीचर्स मुझे बायो पढ़ाया था, मैं अब मेरे सारे टीचर्स को अपना धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने टीचर्स के आभारी रहूंगी। सारे शासकीय विद्यालय वाले टीचर्स का ही बहुत योगदान रहा है मेरे नीट की जर्नी में भी और स्कूलिंग में भी। ये बताइए आपकी बच्चे का जैसे कि नीट में सिलेक्शन हुआ है, उसमें सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, तो आपकी क्या मानसिकता थी जो आपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाया? हमने इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ाया कि उसमें पढ़ाई अच्छी होती है और पूरा एकदम बोलने का फायदा मिलता है। जैसे कि लोगों की मानसिकता आज की दौर में, आज की युग में, की सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, इसको लेके दूसरे पेरेंट्स को या माता पिता को क्या कहना चाहते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, सही है, दिमाग होना चाहिए बच्चे। आपको कितनी खुशी आपके बच्चे का नीट में सिलेक्शन हुआ? बहुत खुशी मिला हमको। क्या नाम लिखते हैं? दीवा शंकर पंडित। तो बताइए आपकी बच्ची का सिलेक्शन हुआ है या आपकी गाँव की बच्ची का, उसको लेकर क्या देखते हैं? शिक्षा वर्तमान दौर में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतिस्पर्धाओं के दौर में, जो आज इतनी बड़ी उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में पास करके जो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, कहीं ना कहीं ये जो है अन्य बच्चों को प्रेरणा स्रोत रहेगा, प्रेरणा रहेगा, और उनके समकक्ष उनके कलीग जो साथ में पढ़ रहे हैं उनको भी इस बात की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आज के दौर में एक सामान्य कृषक परिवार की पुत्री जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते कि महंगे महंगे मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट में एडमिशन करा पाए, लेकिन इस बच्ची अंतिम पटेल ने जो आज अपनी नीट में सफलता पाई है, इसके दूर तक जाएगी सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी असाधारण प्रतिभा की धनी है।
जो आज इन्होंने सफलता पाई है, इसके लिए आज शासन भी देख रहा है, जनप्रतिनिधि भी देख रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर सभी देख रहे हैं कि इस प्राइवेट स्कूल में महंगी महंगी फीस भरने के अलावा अगर शासकीय स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई की जाए तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये सफलता जो है ये शासन को कहीं ना कहीं देखेगा कि आप शासकीय स्कूल है वहां पर अगर पर्याप्त स्टाफ नहीं है, पर्याप्त अगर व्यवस्थित नहीं है तो उसको व्यवस्था करने की दिशा में वो भी बढ़ेगी और ये बहुत दूर तक बात जाएगी। और आने वाले दिनों में गांव के एक सामान्य कृषक जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते वो अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में ऐसे और भी बहुत से बच्चे जो है शासकीय स्कूलों से जाएंगे और जो राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा चाहे वो IIT हो, IIM हो या NEET हो इसमें सफलता प्रवेश करके तो प्राप्त सफलता करेंगे। और साथ ही इस गांव के बच्चों ने अपने परिवार का नाम रोशन भी किया है, समाज का नाम भी रोशन किया है और स्कूल के जो वहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएं अध्यापन जो करवाए लोग उनका मान भी बढ़ाया है। तो चारों ओर से इस प्रकार से उन्होंने सफलता प्राप्त की है कि आज सब दूर इनके चर्चा हो रही है और इनके सफलता में सब लोग साथ चलते हैं और ये सपना है सबका और सरकार का भी स्लोगन के माध्यम से संदेश देती है समाज में कि हर घर का हो सपना सच्चा और घर घर में हो पढ़ने वाला बच्चा तभी होगा हर का सपना सच्चा। इसके माध्यम से मैं परिवार को भी हमारे परिवार ही है तो परिवार को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले दिनों में निश्चित एक बहुत अच्छी चिकित्सक बन करके उभरेगी क्योंकि जो पढ़ाई करके जाता है उसकी बात एक अलग होती है। जो प्राइवेट स्कूलों से महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं और वो NEET के माध्यम से जाते हैं उनकी पढ़ाई थोड़ी कमजोर भी होती है लेकिन शासकीय स्कूल से अभाव के बीच में भी भाव पैदा करके जो उन्होंने आज सफलता प्राप्त की है उन्हें एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और टीवी चैनल पत्रकार मीडिया ने भी आज सुपुत्री का पूरा देश विदेश में सब नाम रोशन किया है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है सब दूर बात चले जाती है इंद्र जिनके सावर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बताइए आपकी गांव की बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़कर इसको कैसे देखते हैं? पहले तो आप पत्रकार महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक छोटे से कस्बा जिले का है उसमें एक आप आए और शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने अवेयरनेस बताया और जो हमारे गांव की दो गुड़ियाओं का शासन की नीतियों के कारण जो NEET में एडमिशन हो पाया 5% आरक्षण जो गवर्नमेंट कल स्कूल में पढ़ने के कारण दो गुड़ियाओं का एक कोमल पटेल और एक अंतिम पटेल दोनों का सिलेक्शन हुआ मैं उनको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं और यही संदेश देना चाहूंगा कि हर गांव और हर शहर देश जिला हर क्षेत्र में सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दे गवर्नमेंट। जनप्रतिनिधियों से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र में जाके गवर्नमेंट स्कूलों को सरकारी स्कूलों को देखें क्या क्या कमियां हैं उनको सुधार करें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे और इस जो गवर्नमेंट ने 5% आरक्षण का जो बच्चों के लिए प्रावधान निकाला है उस कारण से आगे भी यही संदेश देना चाहेंगे हम कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी स्कूलों का में अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपने शिक्षा के लेवल को ऊपर लाएं और शिक्षा का लेवल ऊपर होगा तो कृषि में भी फायदा होगा, बच्चों को भी फायदा होगा और किसानों में भी अवेयरनेस आएगी और इसी माध्यम से हर क्षेत्र में जो चाहे NEET हो IIT हो ऐसे और बहुत सारी परीक्षाएं होती है इसमें गवर्नमेंट जो अपना योगदान दे रही है उसमें अपन को भी आगे बढ़कर बच्चों को और सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो और ज्यादा अपन को फायदा मिलेगा और अच्छे से अच्छे बच्चों को एडमिशन मिलेंगे, सरकारी कॉलेजें मिलेगी तो अपने बच्चों का भविष्य सुधरेगा, किसानों का भविष्य सुधरेगा, यही हम कामना करते हैं। और ये बच्चियों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे गांव की ओर से, हमारी बच्चियां हैं ये एक बोलेंगे ये इनने जो मिसाल कायम की है ये संदेश बहुत अच्छा है सारे और आगे जाके लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस आएगी और बहुत सारी शिक्षा में सुधार आएगा। और मैं जन प्रतिनिधियों से खास करके कहना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र की स्कूलों का सुधार करें। धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर मनोज बारंगा जन सरपंच प्रतिनिधि हूँ अहमदपुर खेगांव।